सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लग जाना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो इंस्टेंट डिसीजन मेकर ये आपको बनाने वाला रहेगा। क्विक रिस्पॉन्स और क्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, ये तीनों योग आपके अंदर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो सारे फिंगर एकदम स्ट्रेट यहाँ पर इंडिपेंडेंटली रन कर रही है, जिसके कारण ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को यहाँ पर इंडिकेट करता है। लिटिल फिंगर की एज ए लेंथ देखी जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा कम है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होता है। इसके कारण कई मरतबा बातें मन में ही दबी रह जाती हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप नेचर नहीं हो पाता है। क्लियर कट अपने बात को स्ट्रेंजर के सामने रखने में थोड़ी हिचकिचाहट सी महसूस होती है, और कई मरतबा स्टेज फियर टाइप ऑफ इश्यूज भी देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है, इसलिए थोड़ा सा कार्य में देरी भी देखने को यहाँ पर मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में लॉन्ग है। तो उस कंडीशन में ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, यानी लाइफ में खुद के दम पर अत्यधिक काम करने के योगों को और कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी से पीछे ना हटने के योगों को भी दर्शाता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांगली रिएक्ट करती है तो ये नॉलेज बहुत अच्छा दर्शाता है। तो इस कंडीशन में आपके पास ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना। साथ ही साथ ये हाई पोस्ट अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जॉब की रिगार्डिंग भी लेकर के जाने वाला रहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर और अच्छे नॉलेज के बिहाव पर ही ऊंचे पद पर विराजमान होने के योग यहाँ पर बनते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर यहाँ देख सकते हैं आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर मिलनसार स्वभाव को यहाँ पर दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, वो भी योग आपके हथेली में स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। और फिंगर के जो नोट्स वो भी यहाँ पर डेवलप्ड आपके परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स दोनों रिस्पॉन्ड बहुत बेहतरीन कर रहा है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना, एनर्जी भी अच्छी देने वाला रहेगा। थंब का साइज सशक्त है और प्योर 90 डिग्री का एंगल ले रहा है, जिसके कारण ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। लाइफ में तकरीबन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे, और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर और अप्रोच यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। सेकंड फैलेंज की लेंथ स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, जिसके कारण आपके अंदर तर्क शक्ति यानी लॉजिकल पावर अच्छा रहेगा। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही ज़्यादा दर्शाता है। इस कंडीशन में आप कभी किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाएंगे, हर ठीक इसमें का नेचर रहेगा, सच सुनना, सच का साथ देना, ऑनेस्ट और लॉयल्टी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, और एक प्रकार से कमिटमेंट को फुलफिल करने के तमाम योगों को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। पाम का स्क्वायरिश शेप में होना हार्डवर्किंग नेचर को दर्शाता है, तो मेहनत में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगा। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो जुपिटर के जो स्ट्रेंथ है वो कुल मिलाकर के पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिसके कारण ये यहाँ पर आपको परफेक्ट नॉलेज देने के साथ साथ जो आपकी मैरिड लाइफ रहेगी उसमें तमाम तरह के खुशहाली, सुख सुविधाएँ भरी जिंदगी देने वाला रहेगा। जुपिटर सबसे मेन कारक होता है मैरिज का, देन आफ्टर नॉलेज का, देन आफ्टर चाइल्ड का। तो ये तीनों चीज़ें लाइफ में सेटिस्फेक्शन आपको देने वाली रहेगी। नॉलेज अच्छा रहेगा, बच्चों से सुख भी मिलेगा और मेरिड लाइफ भी स्मूथ रन करने वाली रहेगी। यहाँ एक आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, जब मंगल से शनि की तरफ कोई भी ऐसी रेखा जा रही होती है तो ये स्पोर्ट्स में भी व्यक्ति को माहिर बनाती है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट अच्छा देखने को मिलता है और स्पोर्ट्स में ग्रोथ करने के चांसेस भी ब्राइट होते हैं। और बाकी देखा जाए तो जुपिटर की स्थिति ठीक जा रही है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में आपको अच्छा देने वाला रहेगा। सैटर्न की स्थिति भी बढ़िया है, शनि की डेवलप्ड एक तो ठीक है और ऊपर से इंडिपेंडेंट आपकी फेट लाइन भी पहुंची हुई है, वो भी डबल फेट लाइन, तो इस कारण से ये डबल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को दर्शाता है और कम्फर्टेबल इनकम लाइफ में देने वाला रहता है। फेट लाइन यहाँ पर आपके जस्ट इंडिपेंडेंट वे में
चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ हो रहा है, जो कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छे कंफर्टेबल लाइफ को, मनी को और करियर को भी अच्छा यहाँ पर दर्शा रहा है। यहाँ देखेंगे तो फेट लाइन में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, जैसे यहाँ पर एक धुंधलापन आया, फिर यहाँ पर एक बार फेट लाइन ब्रोक हो गई। तो ये जो उम्र है जहाँ पर थोड़ा धुंधलापन आ रहा है, ये उम्र है आपका 26 से 28 के बीच में। इस एज में थोड़ा सा स्ट्रगल स्ट्रेस लाइफ में ज़्यादा रहेगा। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी राहु की रेखा भी काट की गई है और फेट लाइन में चेंजेस भी हो रहा है। तो करियर वाइज चेंजेस होने के चांसेस उम्र तकरीबन 35 से 37 के बीच में ज़्यादा है। इस पीरियड में प्रमोशन ग्रोथ होने के चांसेस और अर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो ये राहु की रेखा, ये आपको लोन में लेकर के जाएगा और मनी लॉसेस को भी दर्शा रहा है उम्र 35 से 37 के मिड में ही। सबसे अच्छी बात इसमें ये निकल के आ गई कि फेट लाइन ओवरलैप करके सैटर्न तक एटलीस्ट पहुंच पा रहा है। हालांकि प्योरली सैटर्न तक नहीं पहुंचा, लेकिन हार्ट लाइन के ऊपर होने के कारण ये सेटिस्फेक्शन को और डेस्टिनी पर पहुंचने के योगों को दर्शाता है। सैटर्न माउंट डेस्टिनी है, और जब फेट लाइन प्योरली सैटर्न माउंट तक पहुँच जाता है तो ऐसे जातकों के तकरीबन सारे इच्छा मनोकामना जीवन में पूर्ण होने वाले रहते हैं। अर्निंग कैपेबिलिटीज़ परफेक्ट रहता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है। और लक वाइज अगर बात करें तो आपका लक सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग हो रहा है वो उम्र 35 में एक तो यहाँ डिनोट हो रहा है, और मर्करी लाइन भी जो है वो भी लक स्ट्रांग करती है। तो ये भी जो पॉइंट यहाँ पर डिनोट हो रहा है वो 29 के एज से हो रहा है, यानी 29 के एज से और ज़्यादा एक प्रकार से नॉलेज और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा अर्निंग कैपेबिलिटीज़ लाइफ में आपके बढ़ने वाला रहेगा। मनी लॉसेस का पीरियड 35 से 37 के मिड में है, इसीलिए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में करने से बचिएगा और प्रिकॉशन पहले से ही रखिएगा, जैसे इंश्योरेंस हुआ, मेडिक्लेम हुआ, ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग भी अगर कोई मेजर इशू इस पीरियड में आता है, वैसे हेल्थ के रिगार्डिंग ही मेजर इशू आने के चांसेस हैं खुद के जीवन में भी और घर परिवार में किसी मेंबर के विषय में भी। तो इसीलिए मेडिक्लेम कराए कर रख के रखना एक प्रकार का प्रिकॉशन के रूप में भी काम आने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य और शनि के बीच में यहाँ बीच में देख पाएंगे तो एक रेखा दिखेगा जिसे विद्या रेखा कहते हैं। तो नॉलेज कुल मिलाकर के ये अच्छा देता है। और यहाँ सूर्य की स्थिति की बात करें तो सूर्य पर बहुत मजबूत आपकी रेखा गई हुई है, लेकिन एक क्रॉस का भी बहुत बड़ा साइन है। इस प्रकार का क्रॉस का साइन सूर्य पर पिता के सुख में कमी लाता है, पिता से उतना अच्छा कनेक्शन नहीं देखने को मिलता, या फिर एक प्रकार से देखा जाए तो पिता से जितना एक्सपेक्टेशन होता है उतना नहीं मिलने के साथ साथ जो एक बेनिफिट होता है लाइफ में वो बहुत कम देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार का बेनिफिट। और इसके अलावा जैसे जॉब के रिगार्डिंग भी ये अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी को ज़्यादा दर्शाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके जॉब का, सेटिस्फेक्शन का, नेम रिस्पेक्ट का, मनी का, इन सब का कारक है। और जब क्रॉस का साइन हो जाता है तो इस कारण से थोड़ा सा ये इन सारी चीज़ों में कमी लाने के साथ साथ डिफेम भी करवाता है, जिसके कारण अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, जिस किसी पर ट्रस्ट करेंगे वो ट्रस्ट तोड़ करके जाता है, और देखा जाए तो ओवरऑल लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका कहना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो सूर्य की इस प्रकार की स्थिति होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में होना ये अपने आप में अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस बात है, क्योंकि आपके हथेली में फेट लाइन का स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जरूर इंडिकेट हो रहा है, लेकिन सूर्य का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये जॉब में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली देने वाला रहेगा। मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें कि कुछ ऐसा फील हो रहा है या नहीं, और पिता के साथ रिश्ता कैसा है या पिता का सुख है या नहीं लाइफ में, ये भी मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। इसके अलावा यहाँ पर मर्करी माउंट के ऊपर बात किया जाए तो मर्करी माउंट पर एक तो माउंट ये थोड़ा वीक है, दबा हुआ है, जिसके कारण बातें मन में ही दबी रहती हैं, लेकिन देखा जाए तो एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को यहाँ दर्शाता है, जिसके कारण बहुत मधुर भाषी किस्म का व्यक्तित्व होता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये नॉलेज भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इंटेलिजेंसी ओवरऑल देखा जाए तो परफेक्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली रहेगी, गुड डिसीजन मेकर ये यहाँ पर आपको और गुड हीलर भी बनाने वाला रहेगा, इसीलिए दूसरे लोग आपके पास आकर के कहीं ना कहीं एक प्रकार से सेटिस्फाइड हो जाने वाले, या किसी डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर पाने की यहाँ सक्षमता आपके अंदर रहेगी। हृदय रेखा के नीचे बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइन आई है, तो ये माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को दर्शाता है, सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व रहता है। वहीं यूनियन लाइन आपकी हथेली में दो है, तो दो बार गहरा अटैचमेंट और रिलेशन रहने के योग आपकी हथेली में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इसके बाद देखा जाए तो हृदय रेखा एकदम स्पष्ट रूप से जा रहा है, ये अच्छा स्वास्थ्य आपको देने वाला रहेगा। तो जीवन में ऐसे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी यहाँ पर बहुत कम ही डिनोट हो रहा है। और ट्राइडेंट का फॉर्मेशन है शिव जी की, अगर आप आराधना करते हैं तो आपके जीवन में तकरीबन
किसी भी प्रकार का तकलीफ परेशानी ऐसे रहेगा नहीं, क्योंकि ट्राइडेंट का फॉर्मेशन जब होता है तो ये व्यक्ति को एक प्रकार से मल्टीपल नेचर देने वाला रहता है। मल्टीपल नेचर के अंतर्गत आप इमोशनल भी रहेंगे, प्रैक्टिकल भी रहेंगे, थोड़े एग्रेसिव नेचर के भी देखने को मिलेंगे, यानी जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो वर्कोहोलिक नेचर को यहाँ पर ही ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, जिस कारण अपने कार्य को सबसे ज़्यादा तवज्जो अहमियत देने वाले आप रहेंगे। दिल के साफ इंसान हैं और दूसरों पर थोड़ा भरोसा जल्दी कर लेते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन पहले तो बहुत ज़्यादा मर्ज होकर के, यानी उम्र 18 तक चला है, तो ज़्यादा इंडिपेंडेंसी ग्रोथ इतने टाइम तक नहीं मिला है। 18 के बाद से माइंड लाइन और लाइफ लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट हुई है, और जो माइंड लाइन है वो आगे चल करके बायफोर्क बहुत स्ट्रांगली हो गया, जिसके कारण ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक व्यक्ति को करवाता है। ओवरऑल देखा जाए तो नॉलेज अच्छा देता है, डीप थिंकर एनालिटिकल बनाता है, और ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें याद रह जाती हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और मनी, इन सारी चीज़ों को बेस्ट इंडिकेट यहाँ पर करता है। लेकिन इस माइंड लाइन के ऊपर भी देखेंगे तो आपके राहु की रेखा 3 दफ़ा बहुत स्ट्रांगली काट के गया, यहाँ पर 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि उम्र 19 से 22 के बीच में बहुत बड़ा स्ट्रेस, प्रेशर और अनवांटेड टेंशन, डिप्रेशन जैसे इश्यूज भी आपको देखने को मिले हैं। बहुत बड़ी घटना घटित हुई है इस दौरान में, जिसके कारण मानसिक तनाव दिख रहा है। फिर दूसरी जो राहु की रेखा है, ये उम्र यहाँ पर आपको डिनोट हो रही है 27 से लेकर के तकरीबन 29 के एज के बीच में, और जो थर्ड वन डिनोट हो रहा है वो 35 में। इन तीनों पीरियड में मेंटल प्रेशर, टेंशन, एनजाइटी, बेफिजुल की भागदौड़ी, तनाव ज़्यादा देखने के योग मिल रहे हैं। और लाइफ लाइन के ऊपर खासकर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये ऑफशूट निकले, ये सक्सेस होने के योगों को दर्शा रहा है। उम्र तकरीबन 34 में और 37 में, इन दोनों के बीच में, 34 से 37 के बीच में ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस आपको आपकी लाइफ में मिलने वाला है, क्योंकि इस समय ऑफशूट ये जो निकल रहा है ये सेल्फ मेड लक को दर्शाता है, यानी जिन सारे कार्यों में आप अपने एफर्ट्स, मेहनत डालेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित रूप से शुभ परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक और राहु की रेखा दिख रही है, जो सीधे यहाँ पर आपके फेट लाइन के ऊपर जो है असर डाल रही है। उम्र करेक्ट 36 के एज के लमसम में, 35 से 37 के मिड में, तो इस पीरियड में थोड़ा प्रिकॉशन आपको रखना ज़रूरी है। अगर आप शिव जी की आराधना करते रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो टेंशन, वरीज या ये जो राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये सब लाइफ में आपका डिजॉल्व हो जाने वाला रहेगा, जिसके कारण इसका कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रभाव या ट्रबल देखने को नहीं मिलेगा। लाइफ लाइन के पैरेलल देखा जाए तो सपोर्टिव लाइन भी इंडिकेट अप होना स्टार्ट हो रही है। तो उम्र तकरीबन 31 और 32 के लमसम में आपको स्पाउस का सपोर्ट या बाहरी दुनिया का लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाने वाला रहेगा। उसके पहले तक इतना कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा, तो जो कुछ भी कर पाएंगे अपने जीवन में सब खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा ही। और लाइफ लाइन का फ्लो एकदम मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण ये सेल्फ ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ फोकस्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को दर्शाता है। मंगल की तरफ से थोड़ा नेगेटिविटी आ रहा है, क्योंकि मंगल की तरफ से 2 रेखा काट के गई है, तो ये व्यक्ति को दुर्घटना भी करवाता है, लेकिन मानसिक तनाव थोड़ा सा ज़्यादा देते हुए दिख रहा है जिस एजेस में आपका काट के गया है। बाकी देखा जाए तो अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल की स्थिति पर्याप्त मात्रा में डेवलप्ड है, जिसके कारण ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शा रहा है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहने के योग को दर्शाता है। मेंटली अलर्ट यानी मेंटली स्ट्रांग रहना, जिसके कारण जुनून, हौसला, साहस, पराक्रम जीवन में अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र की स्थिति भी पर्याप्त मात्रा में ठीक जा रही है, लेकिन क्या दिक्कत आ रहा है शुक्र में भी, कि यहाँ पर जो गाढ़ी रेखा है वो स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, तो थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या फैमिली में किसी मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा टेंशन, वरीज आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र अपने आप में डेवलप ठीक है, जो आपको लग्जरियस लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख निश्चित रूप से देने वाला रहेगा। और एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में देती है, खर्चीलापन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये खर्चे घर परिवार के सुख सुविधा को अर्जित करने में, खुद के इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने में, लग्जरीज लाइफ को मेंटेन करने के ऊपर ज़्यादा रहने वाला रहेगा। इसके अलावा देखा जाए केतु के क्षेत्र पर, तो यहाँ पर वी सिंबल की आकृति अवेलेबल है, ट्रैवलिंग के लिए ठीक माना जाता है। और चंद्र के क्षेत्र की बात की जाए तो चंद्र पर भी आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा, जो विदेश यात्रा के योगों को यहाँ पर व्यक्त करता है। हालांकि देखा जाए तो मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है आपके हथेली में फिलहाल, एक स्ट्रॉन्ग सनलाइन भी डिनोट हुआ है, और ये सनलाइन आपको गवर्नमेंट के द्वारा रिवॉर्ड, अवार्ड और गवर्नमेंट जॉब में हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुँचने में मदद भी करेगा। लेकिन मनी ट्रायंगल ओपन होने के कारण पैसा जीवन में अच्छा आएगा ज़रूर, लेकिन रुकेगा नहीं। और वहीं देखा जाए तो अभी ग्रेट रेक्टेंगल के फॉर्मेशन बनना बाकी है, जब ये फुली बन जाएगा तब ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को लाइफ में दर्शाने वाला रहेगा।
लेफ्ट पाम में देखा जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेट लाइन वी सिंबल की आकृति के साथ गया हुआ, तो आपका जो पार्टनर रहेगा यानी स्पाउस जो रहेंगे वो आपके लिए लक्की रहेंगे, क्योंकि मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है। तो मून लक लाइन जब हथेली में होता है तो मदर सपोर्ट एक तो बहुत अच्छा मिलता है, मदर से लगाव ज़्यादा रहता है, मन की ज़्यादा सुनते हैं, मन का करके सेटिस्फाइड भी हो पाते हैं, इसलिए कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है। जन्म स्थान से दूर अपॉर्चुनिटीज़ आती है रसने बसने की या अर्निंग करने की, इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस ब्राइट होते हैं, और आफ्टर मैरिज लाइफ में लक बढ़ता है क्योंकि ये वाइफ के सपोर्ट को भी अच्छा यहाँ पर दर्शाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। लाइफ में फुली सेटिस्फाइड होने के साथ साथ अच्छा नेम रिस्पेक्ट और नाम ख्याति अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। सूर्य की स्थिति मजबूत जा रही है, इसीलिए समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अच्छा आपका रहने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।